हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुमित सर और आज मैं लाया हूँ आईईसी और आईटी का लेक्चर नंबर 2। देखिए, आईईसी और आईईसी आईटी के लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने चैप्टर 1 की शुरुआत की थी, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू एससीआर और आईईटी वालों के लिए था रजिस्टर्ड फैमिली। ठीक है, उस लेक्चर में हम लोगों ने जो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज होते हैं उनके बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने जाना था कि 3 डिवाइसेज होते हैं। नाम आपको याद कर लेना पड़ेगा कौन कौन, पावर डायोड, ठीक, फिर आपका पावर ट्रांजिस्टर और फिर थायरिस्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस थायरिस्टर। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, मैंने सब बताया था कि कौन डिवाइस किस प्रकार का होता है, सिंबल्स वगैरह बताए थे। ठीक, और उसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अथवा पावर कन्वर्टर उनको कहा जाता है उसके प्रकार बताए थे, जैसे एसी टू डीसी कन्वर्टर, डीसी टू एसी कन्वर्टर, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, एसी टू एसी कन्वर्टर। सबका अपना अलग अलग नाम भी होता है, जैसे कंट्रोल रेक्टिफायर, इन्वर्टर, चॉपर और एसी वोल्टेज कंट्रोलर। तो ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट टर्म पे आपको बताया था। ठीक है, आज से हम लोग इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, देखिए हमें पढ़ना तो इन तीनों डिवाइसेज के बारे में है, पावर डायोड, पावर ट्रांजिस्टर और थायरिस्टर के बारे में इस सब्जेक्ट में। तो आज हम लोग पावर डायोड की शुरुआत करेंगे। ठीक है, लेकिन आज का हमारा पहला हेडिंग पावर डायोड नहीं होगा, पावर डायोड हम थोड़ा रुक के पढ़ेंगे। पहले हम लोग जो सिंपल डायोड होता है, जिसे पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं या सिग्नल डायोड कहते हैं या लो पावर डायोड कहते हैं, जिसका अध्ययन हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं, उसका अध्ययन आज हम लोग करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं और सबसे पहले थोड़ा सा पीएन जंक्शन डायोड के बारे में समझ लेते हैं। जो क्लास है ना, इसमें मैं आपको पीएन जंक्शन डायोड के बारे में समझाने जा रहा हूँ। तो मैं एक बात का आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो लेक्चर है, अभी तो खैर वो मैं बना रहा हूँ उसका वीडियो लेक्चर, उसमें मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा, पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल, डायोड वगैरह सब उसमें बहुत डिटेल में जाके बताऊँगा। ठीक है, तो मैं जो बच्चे भी डायोड को लेकर कंफ्यूज हों या पिछले सेमेस्टर में कोचिंग ना कर पाए हों, जिनको भी या कोई किया हो तो भूल गया हो, वो सारे बच्चे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर जरूर देख लेंगे। ये लेक्चर जो है आपको डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का बैच जब आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। तो आप लोग रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिएगा, मैं उसमें ऐड कर दूंगा, जब भी आपको उसमें मैं वीडियो डालूंगा। शुरुआत का पहला चैप्टर वही होता है पीएन जंक्शन डायोड, तो वहां पे आपको इसी का आप इसको पढ़ जरूर लीजिएगा। देखो वहां अगर आप बेसिक क्लियर किए रहेंगे ना तो इस सब्जेक्ट में उतना दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन आप छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज रहेंगे तो फिर यहां दिक्कत आएगा। और देखो ये सब्जेक्ट चूंकि दूसरा है तो मैं इस पे कितना भी बेसिक पे जाऊंगा तो उतना बेसिक पे नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, मुझे ये मान के चलना पड़ेगा कि कम से कम आपको कुछ पीछे की चीजें पता है। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको नहीं भी पता हो तो आपको कम से कम समझ में आ जाए, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास जो है उसको, उसका जो वीडियो है उसको जरूर देखें। ठीक है, इससे आपको समझने में काफी आसानी होगी। ठीक है, और आपको नोट्स जो है वो साथ साथ में बनाते रहना है। ठीक है, पहले आप लोग सुन लीजिएगा हेडिंग क्या है, ठीक है, उसे कॉपी पे लिख लीजिएगा और उसके बाद जब तक मैं कहूँ ना तब तक लिखिएगा नहीं, जब मैं कहूँगा कि हाँ अब आप वीडियो पास करके ये चीज़ लिखिए तभी लिखिएगा। देखो बीच बीच में बच्चे लिखने लगते हैं तो उनका कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं समझने से हट जाता है, तो जब मैं कहूँगा तभी लिखिएगा। ठीक है, पूरा हेडिंग पहले एक बार समझ लीजिए फिर मैं लिखने का आपको बोलूँगा कि आप लिखिए, तो आप उसमें वीडियो पास करके लिख लीजिएगा। हाँ, जो लोग नहीं लिख पा रहे हैं उन लोगों के लिए मैं का पीडीएफ जो है वो आपको अजय क्लासेज ऐप में डाल दूंगा। पीडीएफ आप देखेंगे कहाँ से, जो नीचे ऑप्शन बना होता है होम बैच, उसमें बैच पे जाएंगे, जब बैच पे जाएंगे तो ऊपर आपका आएगा ओवरव्यू, अटेंडेंस, असाइनमेंट, ऐसे करके आएगा वीडियो, लास्ट में रहेगा स्टडी मटेरियल, उसी स्टडी मटेरियल वाले टैब में आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो आप वहां से पीडीएफ भी इसका, लेकिन पीडीएफ मैं 24 घंटे बाद दूंगा तो उसको वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि आप खुद लिखिए वो सबसे अच्छा रहेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं, सबसे पहले आज का हेडिंग हमारा पीएन जंक्शन डायोड। मुझे पढ़ाना तो आपको पावर डायोड है, लेकिन पावर डायोड का जो बेसिक सिद्धांत है वो सिंपल डायोड, जिसको हम लोग पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं, उससे मिलता जुलता है। ठीक है, जिसे आप लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं, ये सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसमें हम लोग पावर डायोड के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम लोग पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ते हैं उसका सिद्धांत थोड़ा बहुत आपको पता रहेगा तभी आपको पावर डायोड समझ में आएगा। तो वो जो थोड़ा बहुत है उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक चीज़ें जो मैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा था वो मैं जा रहा हूँ रिवाइज करने, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट वो नहीं है। हाँ, उतना भर का बता दूंगा ताकि आपको पावर डायोड अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले देखिए, जो पीएन जंक्शन डायोड है उसे हम लोग सिग्नल डायोड या लो पावर डायोड कहते हैं, जिसे हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते थे।
ठीक है। और आपको पता ही है कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो डायोड होता था वो लो पावर वाला होता ही था, मतलब उसमें वोल्टेज भी लो रहता है, करंट भी लो रहता है, ठीक है। इसीलिए उसे उसे हम लोग सिग्नल डायोड या लो पावर डायोड कहते हैं। और इस सब्जेक्ट में जो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें जो डायोड हम लोग पढ़ेंगे उसका वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग या पावर रेटिंग हाई होगा, इसलिए तो इसे पावर डायोड कहते हैं। तो अब देखिए, जो सिंपल डायोड होता है पीएन जंक्शन डायोड, उसमें एक लेयर होता है पी टाइप और एक लेयर होता है एन टाइप, ठीक। अब ये पी टाइप एन टाइप लेयर क्या है, अगर आपको इतना नहीं पता है तो आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए, जो पी टाइप मटेरियल होता है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, याद कर लीजिए इसको, ठीक है। एन टाइप मटेरियल्स में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं, ठीक। और जब पी और एन को एक पास हम लोग लाते हैं, हालांकि एक पास लाते नहीं हैं हम लोग, एक ही सिलिकॉन के क्रिस्टल में एक तरफ पी और एक तरफ एल उत्पन्न करते हैं डोपिंग करके, ठीक है। जब हम लोग ट्राईवेलेंट पदार्थ की डोपिंग करेंगे तो पी टाइप बनता है, जब पेंटावेलेंट पदार्थ की डोपिंग करते हैं तो एन टाइप बनता है, ठीक है। और जब हम लोग ये डोपिंग कर देते हैं तो यहां आपको पता है कि पी टाइप में बहुत बड़ी मात्रा में क्या है, होल्स हैं, और एन टाइप में बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ, लेकिन थोड़े बहुत इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसमें भी देखो, इसलिए मैंने जो फिगर बनाया है यहां पे एक इलेक्ट्रॉन भी दिखाया हूं, थोड़े बहुत होते हैं माइनॉरिटी। और इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो एक ये होल बना दिया हूं यहां पे, ठीक है, बाकी सब इलेक्ट्रॉन से ये होल बना दिया हूं, तो थोड़े बहुत एन टाइप में होल्स भी होते हैं, ठीक। जब पी टाइप और एन टाइप एक पास आता है, मतलब एक पास जब बनाया जाता है, तो होता क्या है कि ये मान लो संधि है, ये जंक्शन है पी और एन का, तो होगा ये कि संधि के अगल बगल के जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे की तरफ जाएंगे, इधर का होल इधर जाएगा, इधर का इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, बड़ी संख्या में तो इलेक्ट्रॉन ही है, तो इधर का इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इधर का होल इधर जाएगा, तो संधि के आसपास के होल इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को खत्म कर देंगे। जब वो एक दूसरे को खत्म कर देंगे तो यहां पे क्या बचेगा, तो यहां पे अशुद्धि के, जिसका आप डोपिंग किए हैं उसके परमाणु बचेंगे जिस पर आवेश होता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको अगर इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो अब मैं वही कहूंगा कि आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके ये चीजें थोड़ी समझनी पड़ेंगी कि काम, ठीक है। तो अभी के लिए थोड़ा सा इसको बस याद करिए, अगर आप एकदम नहीं जानते हैं तब, हालांकि जो बच्चे थोड़ा भी पढ़े होंगे मुझसे उनको ये समझ में आ जाएगा आसानी से, लेकिन नहीं भी अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इन चीजों को थोड़ा सा अभी के लिए याद करिए, एनालॉग में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो मैं ये बोल रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्लस होगा, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि संधि के इस तरफ के इलेक्ट्रॉन और इस तरफ के होल एक दूसरे को कंबाइन करेंगे, जब वो कंबाइन करेंगे तो संधि के इस साइड में धनावेश और इस साइड में ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। पहले क्यों नहीं उत्पन्न था, क्योंकि पहले यहाँ पे धन था तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी थे, तो वो जगह जो था, मतलब ये जो जगह है, जो स्पेस है, यहाँ पे अगर अगर धनावेशित अशुद्धि के आयन हैं और जो जो चल नहीं पाते हैं, अशुद्धि के आयन बॉन्ड बनाए रहते हैं, तो अगर ये धनावेशित अशुद्धि के परमाणु हैं, यहाँ पे आयन्स हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये जगह उदासीन है, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, मान लो होल आके इलेक्ट्रॉन को खत्म कर दिया तो ये जगह धनावेशित हो गया, बात समझ रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पे पहले होल था और पहले माइनस भी था यहाँ पे अशुद्धि के आयन, तो ये जगह उदासीन था, लेकिन जब यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन आके होल को उदासीन कर दिया तो अब यहां पे उदासीन हो गया ना, यहां का होल उदासीन हो गया, तो अब यहां पे केवल माइनस बचा। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे ही पी और एन एक पास आएगा, तुरंत संधि के दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन होल बचेंगे ही नहीं, केवल क्या बचेगा, एक धनावेशित क्षेत्र और एक ऋणावेशित क्षेत्र। और ये धनावेशित क्षेत्र और ऋणावेशित क्षेत्र क्या करेगा, तो ये करेगा, ये जब ये ठीक ठाक पैदा हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि इसके पास उतनी ताकत आ जाएगी कि ये इधर के इलेक्ट्रॉन को अब इधर ही रोक देगा और उधर के होल को उधर ही रोक देगा, यानी इधर के मेजॉरिटी वाले को इधर रोक देगा और उधर के मेजॉरिटी वाले को उधर रोक देगा। क्यों रोक देगा, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी माइनस से प्लस की ओर चलता है। मैंने आपको शायद बीडबली में भी ये चीज़ बताया था, इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस से प्लस की ओर चलता है और होल्स हमेशा प्लस से माइनस की ओर चलते हैं, ये बात जानिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर ये एक प्लेट प्लस है और ये एक प्लेट माइनस है, आप बीच में अगर एक इलेक्ट्रॉन रखे और एक होल रखे तो आप खुद बताइए कौन किधर जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन को ये आकर्षित करेगा, ये प्रतिकर्षित करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा माइनस से प्लस, और होल किधर जाएगा, प्लस से माइनस, सीधी सी बात है। तो जब यहाँ पे ये धनावेशित क्षेत्र आ गया, ये ऋणावेशित क्षेत्र आ गया, तो ये क्षेत्र क्या करेगा, इस क्षेत्र का दिशा ऐसे है ना प्लस से माइनस, तो ये क्षेत्र क्या करेगा, इधर के इलेक्ट्रॉन, अब देखो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर थोड़े जा पाएगा, इलेक्ट्रॉन प्लस से माइनस नहीं जाता है, इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस जाता है, ठीक है। तो ये
क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को उधर जाने ही नहीं देगा, क्योंकि ये तो प्रकृति के नियम का ही विपरीत हो जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन इधर इधर चला गया। इलेक्ट्रॉन अगर क्षेत्र की दिशा में चला गया ऐसा अब इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और होल ऐसा नहीं हो सकता है कि होल क्षेत्र के विपरीत चले, होल हमेशा प्लस से माइनस चलता है, क्षेत्र की दिशा में चलता है, माइनस से प्लस नहीं चलता है। तो होल उधर रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर रुक जाएगा, ठीक। तो ये जो क्षेत्र है बीच वाला, ये इसने ये काम किया कि उसको इधर रोक दिया, इसको इधर रोक दिया, ठीक। जिस लेयर में होल इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, केवल धनावेशित और ऋणावेशित आयन्स होते हैं, अचल आयन्स होते हैं जो चल नहीं पाते हैं, ये अशुद्धि के परमाणु ही होते हैं, ठीक है। तो इस लेयर को हम लोग कहते हैं डिप्लीशन लेयर, यानी अवक्षय परत, ठीक है। संधि के दोनों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नहीं होते हैं, सिर्फ अचल आयंस होते हैं, अशुद्धि के अचल आयंस होते हैं, उसे हम लोग डिप्लीशन लेयर कहते हैं, ठीक है। मैं एक बात और बता दूं, आपको ये सब परिभाषा लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में ये डायोड नहीं है, ये तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक में है, लेकिन मैं यहाँ पे केवल आपको रिपीट करा रहा हूँ, काम भर का बता रहा हूँ, ठीक है। जो चीज़ आप नहीं पढ़े तो बस आप इसको याद रखिए फिलहाल के लिए कि इसको हम लोग डिप्लीशन लेयर कहते हैं। अब ये डिप्लीशन लेयर का जो वैद्युत क्षेत्र है वो इलेक्ट्रॉन होल का आवागमन जो है वो रोक देगा। अच्छा, अब इसके अब यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए कि यहाँ पे एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, तो यहाँ पे वोल्टेज भी आ जाएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज क्या होता है अगर आपको ये नहीं पता है, हालांकि आप लोग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो शायद आप लोग को ये पता होना चाहिए, लेकिन नहीं पता है तो BEE के क्लास में आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे एक वोल्टेज आ जाएगा और ये वोल्टेज क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन होल को नहीं जाने देगा। इस वोल्टेज को हम लोग कहते हैं बैरियर पोटेंशियल, मतलब यहाँ पे एक छोटा सा वोल्टेज, उसको मैं एक सेल के जैसे दिखा दे रहा हूँ, इस तरह से एक छोटा सा वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। और ये वोल्टेज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन होल को जाने से रोक देगा। इस वोल्टेज को हम लोग कहते हैं बैरियर पोटेंशियल, विभव प्राचीर, ठीक है। इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपका पुरानी बातें रिपीट हो गई। इसी डायोड को हम लोग कहते हैं कौन सा डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, ये डायोड हो गया, ठीक है। पी और एन एक तरफ बन गया, डिप्लीशन लेयर बन गया, इधर का इलेक्ट्रॉन रुक गया, उधर का होल रुक गया, बात खत्म, ये डायोड हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड। उसका ये सिंबल होता है, सिंबल में देख लीजिएगा, इधर जिधर ये लगा होता है उधर कैथोड होता है यानी माइनस, और इधर एनोड होता है यानी प्लस, ठीक है। तो ये आपका डायोड हो गया इस तरह से। रियलिटी में मैंने एक डायोड यहाँ पे लिया हुआ है, आपको थोड़ा सा क्लियर दिख नहीं रहा होगा, तो मैं आपको क्लियर दिखाने के लिए थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। देखिए ये है पीएन जंक्शन डायोड, ये आपको दिख रहा है ना, ये पीएन जंक्शन डायोड है मेरे हाथ में, और इसका चेक करने का तरीका मैं अभी आपको बता दूंगा कि कैसे आप पता करेंगे कौन पी है कौन है ना। हालांकि ये जो इधर का जो पोर्शन है जो व्हाइट कलर का है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, उधर एन होता है, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, ये बदल भी सकता है। तो इसका चेक करने का मल्टीमीटर से तरीका होता है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो इसको हम लोग कहते हैं यही पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है। देखिए कितना छोटा सा ये डायोड है, इसी में एक तरफ पी है एक तरफ एन है और बीच में डिप्लीशन लेयर है, ठीक। तो ये होता है पीएन जंक्शन डायोड। डायोड का प्रयोग हम लोग, पीएन जंक्शन डायोड का प्रयोग हम लोग फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें भी आप एनालॉग में अच्छे से पढ़िएगा, फिलहाल के लिए शॉर्टकट में जानिए कि फॉरवर्ड बायस जिसमें हम लोग एनोड और कैथोड में, एनोड को हाई पोटेंशियल पर रखते हैं और कैथोड को लो पोटेंशियल पर रखते हैं, ठीक है। मतलब ये हाई पे रहेगा ये लो पर। देखो बहुत लोग ऐसे याद करते हैं कि एनोड प्लस से जुड़ेगा और कैथोड माइनस से जुड़ेगा, ये मत रखिएगा। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये डायोड है, अगर आप इसको दे दिए +5 वोल्ट और इसको दे दिए +2 वोल्ट, ये दोनों प्लस से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये फॉरवर्ड बायस है क्योंकि ये +5 है ये +2 है, तो ये हाई पोटेंशियल पे है ये लो पोटेंशियल पे है, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं आप याद करिएगा कि एनोड प्लस से कैथोड, आप बस याद करिए कि जब एनोड कैथोड के रेस्पेक्ट में हाई पोटेंशियल पे हो तो फॉरवर्ड बायस, और जब कैथोड एनोड के रेस्पेक्ट में लो पोटेंशियल पे हो तो उसे कहेंगे, जब कैथोड एनोड के रेस्पेक्ट में हाई पोटेंशियल पे हो तो उसे कहेंगे रिवर्स बायस। जब एनोड हाई पे हो कैथोड के रेस्पेक्ट में तो फॉरवर्ड, जब कैथोड हाई हो एनोड के रेस्पेक्ट में तो रिवर्स। इसको शॉर्टकट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब VAK माने VA-VK, मतलब एनोड और कैथोड के बीच का वोल्टेज, जब ये ग्रेटर देन जीरो हो, ठीक है, VA-VK ग्रेटर देन जीरो का मतलब कि एनोड हाई पे है कैथोड की तुलना में, तभी तो VAK ग्रेटर देन जीरो होगा। VAK का मतलब होता है VA-VK, ठीक। तो VA-VK अगर जीरो से बड़ा है, मतलब भी ये बड़ा है VK से, तो उस कंडीशन यानी एनोड हाई पे है कैथोड लो पे है, तो इसका मतलब हो गया फॉरवर्ड बायस। और कोई आपसे ऐसे कह दे कि VAK less than 0,
लेस देन जीरो, तो तुरंत समझ लीजिए रिवर्स है, इसका मतलब ये हुआ कि एनोड जो है वो लो पोटेंशियल पे है कैथोड के रेस्पेक्ट में। तो ये सब लिखने का तरीका होता है, ये सब जानिए। देखो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आगे चल के इन सब चीज़ों का कई जगह SCR वगैरह में प्रयोग होगा। मैं लिखूंगा कि हाँ जब भी ए के ग्रेटर देन जीरो, तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें कन्फ्यूज नहीं करनी चाहिए, इसलिए छोटी छोटी बातें आज के क्लास में बता दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने आप देखिए कि यहाँ पे ये तो फॉरवर्ड बायस ही है, क्योंकि यहाँ पे बैटरी के प्लस से है माइनस से है तो ये फॉरवर्ड बायस, और यहाँ पे ये बैटरी के माइनस से है ये प्लस से है तो ये रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में आप सबको पता है कि फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, अगर आप इसको प्लस देंगे इसको माइनस देंगे, मतलब इसको हाई पर रखेंगे इसके रेस्पेक्ट में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा कि ये जो प्लस है होल्स को प्रतिकर्षित करेगा, दबाएगा, ये जो माइनस इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा, तो इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे, होल इधर जाएंगे, तो यहाँ ये डिप्लेशन लेयर थोड़ा सा पतला होने लगेगा, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन और होल पहुँचेंगे तो यहाँ से यहाँ जो आवेश है उसको उदासीन करना शुरू कर देंगे, ठीक है, मतलब जो यहां पे अचल आयंस हैं उनको उदासीन करना शुरू करेंगे, तो ये डिप्लीशन लेयर की मोटाई अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि डिप्लीशन लेयर उसको कहते हैं जहां पे होल इलेक्ट्रॉन नो हो और जहां पे केवल ये धनावेशित या ऋणावेशित आयंस हो, ठीक। लेकिन जब वो पहुंचेगा तो डिप्लीशन लेयर पतला होने लगेगा और धीरे धीरे पतला हो जाएगा, और कब पूरा समाप्त हो जाएगा, जब एनोड और कैथोड के बीच का वोल्टेज 0.7 वोल्ट हो जाए जर्मेनियम के सिलिकॉन के लिए, ठीक है, तो ये डिप्लेशन लेयर पूरा समाप्त हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब ये पूरा समाप्त हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन उधर होल इधर ये सब जाना शुरू कर देंगे, और जब इलेक्ट्रॉन इधर होल इधर जाएगा तो इस पूरे सर्किट में धारा का प्रवाह होगा, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन होल एक दूसरे को मिलकर उदासीन करेंगे, तो जब एक इलेक्ट्रॉन उदासीन होगा तो यहाँ पे जो नीचे बैटरी रहेगी वो एक इलेक्ट्रॉन की सप्लाई भी इधर से कर देगी, तो ऐसे पूरे परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का ऐसे प्रवाह शुरू हो जाएगा, ऐसे इस तरह से। तो अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऐसे होगा तो धारा का प्रवाह ऐसे होगा एनोड से कैथोड की ओर, समझ रहे हैं ना बात को। तो इस तरह से पूरे सर्किट में एक करंट का प्रवाह होने लगेगा, यानी इस कंडीशन को हम कहेंगे कि हमारा डायोड क्या है, ऑन है। उसी को मैंने यहां पर दिखाया है, फॉरवर्ड बायस में यहां प्लस यहां माइनस, और उस कंडीशन में डायोड जो है ऑन है, मतलब एक ऑन स्विच की तरह डायोड व्यवहार करेगा, ठीक है। डायोड का यही तो काम होता है, डायोड स्विच की तरह काम करता है, तो डायोड एक ऑन स्विच की तरह काम करेगा फॉरवर्ड बायस में। और रिवर्स बायस में देखिए, रिवर्स बायस में क्या होगा कि जब आप इसको प्लस दे देंगे और इसको माइनस दे देंगे, तो उस कंडीशन में प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को और दूर खींच लेगा, ये माइनस क्या करेगा, होलों को और दूर खींच लेगा, डिप्लीशन लेयर और चौड़ा हो जाएगा, और जब ये और चौड़ा हो जाएगा तो पता ही है आपको क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा नहीं, ऐसे थोड़ी धारा का प्रवाह इसमें शुरू हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी ऐसे चल सकते हैं क्या, कभी इलेक्ट्रॉन ऐसे चल ही नहीं सकते हैं प्लस से माइनस की ओर, ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं चलता है, ठीक है। तो और ये संधि चौड़ी हो चुकी है तो ठीक है, तो इस तरह से अब ये इलेक्ट्रॉन को ये क्रॉस नहीं करने देगी, ठीक है, खत्म हो जाएगी तब तो क्रॉस हो जाएगा जैसे फॉरवर्ड बायस में होता है, लेकिन और चौड़ी होगी तो नहीं क्रॉस होने देगी, यानी इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो गया, एक रुकावट की तरह काम करने लगा, यानी कहीं ना कहीं रिवर्स बायस में ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। हाँ, माइनॉरिटी वाले करंट जो जिसको हम लोग लीकेज करंट कहते हैं वो प्रवाहित हो जाएंगे, ये जो होल्स हैं माइनॉरिटी वाले ये इस तरह से प्रवाहित हो जाएंगे, होल्स प्लस से माइनस की ओर चलते हैं, ठीक है, और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है ये माइनस से प्लस की ओर चल लेगा इस साइड वाला, तो उस कंडीशन में, लेकिन उनकी संख्या इतनी कम है कि उसके वजह से धारा का इतना कम प्रवाह होगा कि इसको हम लोग ये नहीं कहेंगे कि ये डायोड जो है करंट का फ्लो कर रहा है यानी ऑन है। रियलिटी में डायोड उस समय ऑफ स्विच की तरह बिहेव करेगा, तो उसको यहाँ दिखाया गया है कि ये हो गया रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में ये डायोड जो है ऑफ स्विच की तरह बिहेव करेगा, यानी इसमें कोई करंट का प्रवाह ऐसे नहीं होगा इस तरह से, केवल लीकेज करंट थोड़ा बहुत बहेगा लेकिन उसको आप नगण्य मानिए। तो इस तरह से डायोड एक ऑफ स्विच की तरह बिहेव करेगा, तो रिवर्स बायस में डायोड ऑफ की तरह बिहेव कर रहा है, फॉरवर्ड बायस में डायोड ऑन की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। इतनी बातें तो आपको क्लियर हो गई, आप लोग वीडियो को पॉज करके ये पूरा चीज जो है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ऐसे ही देखो कुछ नहीं करना है, हेडिंग डालना है ये पीएन जंक्शन डायोड या सिग्नल डायोड या लो पावर डायोड, इस फिगर को ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है, कुछ ज्यादा लिखेंगे सिंबल बना लीजिएगा, बगल में ये चीज नोट कर लीजिएगा, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस दिखा कैसे कर लीजिएगा, ये कोई सेमेस्टर में आने वाला हेडिंग नहीं है, बस आपका एक रिपीट कराना है कि ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सेमेस्टर में नहीं आएगा ये हेडिंग, क्योंकि ये तो एनालॉग का है, बस आपका एक रिपीट होना चाहिए कि हाँ पीएन जंक्शन डायोड में ये सब चीजें होती हैं। हेडिंग जो है ये हेडिंग भी एक तरह से रिवीजन का ही हेडिंग है, इसके बाद आपका जो हेडिंग शुरू होगा वो सब नया हेडिंग है, लेकिन ये एक हेडिंग भी रिवाइज कर लीजिए। इस हेडिंग का नाम है VI करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्नल डायोड, ठीक है, या पीएन जंक्शन डायोड। तो आपको पता ही है कि डायोड का ये जो करेक्टरिस्टिक्स होता है इससे डायोड को समझने में काफी मदद मिलती है,
फेमस करेक्टरिस्टिक्स होता है, तो इसको आप देख लीजिए। देखिए सबसे पहले मैंने आइडियल डायोड का बनाया है और यहाँ पे प्रैक्टिकल डायोड का बनाया है, दो मैंने ये करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए मैंने आइडियल डायोड का कैसे बनाया है, तो आइडियल डायोड में आपको पता है कि आइडियल डायोड एक आइडियल स्विच की तरह बिहेव करता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ये करके दिखाया है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ये आइडियल डायोड हो तो ये एक आइडियल स्विच की तरह बिहेव करेगा। आइडियल स्विच का मतलब जिसका रेजिस्टेंस एकदम जीरो हो, रेजिस्टेंस हो ही ना, रेजिस्टेंस जीरो हो ऑन कंडीशन में, ऑन कंडीशन में रेजिस्टेंस जीरो हो। और आइडियल स्विच किसे कहते हैं, जिसका ऑफ कंडीशन में रेजिस्टेंस अनंत हो, ऑन कंडीशन में रेजिस्टेंस जीरो हो और ऑफ कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या हो, अनंत हो, उसी को आइडियल स्विच कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो रेजिस्टेंस है ऑन कंडीशन में और ऑफ कंडीशन में रेजिस्टेंस अनंत है, तो ये आइडियल डायोड अगर है तो उसका ऐसा होगा, ठीक है। किसी भी आइडियल स्विच का यही निशानी होता है, लेकिन दुनिया में कोई चीज़ आइडियल होता नहीं है, ठीक है। हल्का फुल्का आर जरूर होता है ऑन कंडीशन में भी, और ऐसा नहीं है कि एकदम अनंत होता है। अनंत तो क्या होता है, अनंत कुछ नहीं होता है। हाँ, हाई जरूर होता है मेगा ओम गीगा ओम में ऑफ कंडीशन में स्विच का, लेकिन एकदम अनंत कोई चीज़ नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो जानते हो क्या होगा, अगर किसी चीज़ का रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तो उसको आप वोल्टेज नहीं भी देंगे तो उसमें करंट का फ्लो होगा। ध्यान से सुन लीजिए, अगर किसी स्विच का रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तो आप उसको वोल्टेज नहीं भी देंगे तो करंट फ्लो होगा। क्यों ऐसा होगा, इसलिए होगा क्योंकि देखिए आई बराबर क्या होता है, वी अपान आर, या आप ऐसे समझिए कि वी बराबर क्या होता है, आई आर। तो अगर R किसी चीज़ का जीरो हो गया तो भी जीरो होगा कि नहीं, अगर R जीरो हो गया तो भी जीरो होगा कि नहीं, यानी आपको जीरो बोल्ट देना पड़ेगा। R जीरो है तो जीरो बोल्ट देना पड़ेगा। और ये बताओ I बराबर भी बटे R तो कितना करंट फ्लो होगा, तो आप बताइए अगर R जीरो है, R जीरो है, भी तो आपको जीरो ही देना पड़ेगा, R जीरो है तो I अनंत होगा कि नहीं। यानी इसका क्या मतलब आप समझे कि अगर कोई स्विच आइडियल है यानी जीरो रेजिस्टेंस का है तो उसका भी आप जीरो भी रखेंगे तो धारा अनंत होगी। देखो अगर आप यहाँ पे भी को जीरो भी कर दें लेकिन आर अगर जीरो है तो जीरो बटे जीरो अनंत होगा कि नहीं बताओ, यानी भी जीरो भी रखेंगे तो भी धारा अनंत प्रवाहित होगी। समझ रहे हैं ना बात को, तो इसलिए ये आइडियल स्विच निशानी होती है, मतलब वोल्टेज नहीं भी दोगे तो धारा अनंत पे पहुंच जाएगी, ठीक है। और इस कंडीशन में जरा देखिए, इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में अगर आर का मान अनंत है तो आप भी कितना भी बढ़ा देंगे आई जीरो होगा, ठीक है, मतलब धारा बहेगी ही नहीं। आप भी को कितना भी, इस वोल्टेज को आप कितना भी बढ़ा देंगे, कितना भी बढ़ा देंगे, धारा जो है वो बहेगी नहीं, धारा जीरो होगी। जबकि रियलिटी में ऐसा, जानते हो क्या होगा, रियलिटी में अगर आप ये वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि इस बीच के माध्यम का ये जो गैपिंग है इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, यानी इस गैपिंग के माध्यम से भी धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर ये आइडियल स्विच है तो इसका रेजिस्टेंस अनंत होगा, यानी इसका कभी ब्रेकडाउन होगा ही नहीं। बात समझ रहे हैं ना, यानी आप वोल्टेज अनंत पे भी पहुंचा देंगे तो भी धारा जीरो ही रहेगी, ठीक। ये ऑफ स्विच की निशानी होती है। तो अगर आप आइडियल डायोड का वी आई करेक्टरिस्टिक बनाए तो कैसे बनेगा, उसी को मैं यहां पर बनाया हूं। देखिए तो देखिए ये जो ग्राफ बनाया हूँ, देखो यहाँ पे मैं लिखा हूँ भी, यहाँ पे लिखा हूँ आई, भी डी लिखा हूँ क्योंकि डायोड को दिया जाने वाला वोल्टेज है। तो आप देखिए मैंने इसको कैसे बनाया है, ऑन कंडीशन में, मैंने अभी दिखाया था आपको, ऑन कंडीशन में अगर आप जीरो वोल्टेज भी दें तो धारा अनंत पे चली जाएगी, ठीक है। जीरो वोल्टेज भी दें तो धारा अनंत पे चली जाएगी, मतलब वी डी बराबर अगर जीरो भी है तो ये करंट बढ़ता जाएगा। देखो मतलब ये लाइन नहीं बढ़ाई, ठीक है। केवल इसी पे जाने का मतलब क्या हो गया कि अगर आपने वी डी को जीरो भी रखा है, वोल्टेज जीरो भी रखा है, तो भी धारा बढ़ती जा रही है, यानी आई अनंत पे पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो ये आइडियल डायोड के लिए फॉरवर्ड बायस में वी आई करेक्टरिस्टिक्स हो गया। और रिवर्स बायस में कैसे बनेगा, तो रिवर्स बायस में मैं आपको क्या बताया कि आप भी को बढ़ाते भी जाएंगे कितना भी बढ़ाते जाएंगे उस कंडीशन में आई जीरो ही रहेगा, ठीक है। भी को आप कितना भी बढ़ाएंगे आई जीरो ही रहेगा और कभी भी उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा। मतलब अगर आप वोल्टेज को बढ़ाते भी जाएंगे, क्योंकि रियल स्विच में ऐसा नहीं होगा, वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो कभी ना कभी जो बीच का इंसुलेशन है, जो रेजिस्टेंस है, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, लेकिन इसका नहीं होगा। यानी इसका जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा वो अनंत होगा। बात समझ रहे, इसलिए मैं लिखा हूँ कि इसका जो वी आर बी होगा, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, वो अनंत पे भी चला जाएगा, मतलब वो अनंत पे भी जाएगा तो भी इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा, धारा जीरो ही रहेगी, ठीक। तो ये आइडियल डायोड का करेक्टरिस्टिक्स हो गया। ये वाला ग्राफ फॉरवर्ड बायस के लिए है, ये वाला ग्राफ रिवर्स बायस के लिए है, ठीक है। जानते हो रिवर्स वाला ग्राफ इधर क्यों बनाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग वोल्टेज जब निगेटिव में दिए हैं, वोल्टेज को हम लोग जब निगेटिव में दिए हैं तभी तो रिवर्स बायस हुआ है। तो अगर पॉजिटिव वोल्टेज को आप इस लाइन पर दिखा रहे हैं तो निगेटिव वोल्टेज को इस लाइन पर दिखाना पड़ेगा। अगर आप पॉजिटिव करंट को ऊपर दिखा रहे हैं तो निगेटिव करंट को नीचे दिखाना पड़ेगा। हालांकि रिवर्स बायस में ये करंट तो है ही नहीं,
ठीक है, केवल वोल्टेज है तो वोल्टेज को उधर दिखाओगे, और फॉरवर्ड बायस में सिर्फ करंट है, वोल्टेज तो है ही नहीं, तो इस लाइन पे वोल्टेज आएगा ही नहीं, सिर्फ करंट बढ़ता जाएगा। तो ये आइडियल डायोड के लिए हो गया, लेकिन दुनिया में कोई डायोड आइडियल तो होता नहीं है, सारे डायोड प्रैक्टिकल होते हैं। अब प्रैक्टिकल डायोड का कैसे बनेगा इसको जरा समझ लीजिए। तो देखो, अब प्रैक्टिकल डायोड में क्या होता है, प्रैक्टिकल डायोड में ये होता है कि जब आप लोग, जब हम लोग वोल्टेज देते हैं, फॉरवर्ड बायस वाला वोल्टेज, ठीक है, मतलब ये वाला वोल्टेज, ठीक, ये वाला वोल्टेज जब हम लोग देते हैं, ये वाला वोल्टेज, तो इसको हम लोग पहले यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा के इस वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। मान लो 0.1 किए, 0.2 किए, 0.3 किए। तो देखो रूल क्या कहता है कि आप थोड़ा सा भी यहाँ वोल्टेज देंगे, चूंकि आइडियल तो दुनिया में कुछ होता नहीं है, थोड़ा सा भी वोल्टेज देंगे तो भले धारा न बहे, लेकिन हल्की सी धारा जिसको आप कह सकते हैं लीकेज करंट, वो बहेगा जरूर अगर आप वोल्टेज दे रहे हैं तो। क्योंकि दुनिया में कोई चीज़ आइडियल नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि एकदम आइडियल हो। तो वही चीज़ कहने का मतलब है कि अगर आप पे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल धारा जीरो होगी, ठीक है, थोड़ी बहुत धारा जरूर प्रवाहित होगी, समझ रहे हैं ना बात को, थोड़ी बहुत धारा जरूर प्रवाहित होगी। तो वो धारा, ये जो थोड़ी सी धारा दिखाई गई है, मतलब ये वोल्टेज आपका बढ़ रहा है तो करंट बहुत हल्का सा इस इधर जो है, ये बहुत हल्का सा करंट आपका इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये चीज ऐसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये चीज बहुत नाम भर का ही बढ़ रहा है। तो जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे बनेगा इस तरह से, ठीक है, मतलब इधर वृद्धि 9 के बराबर है, इधर ये चीज बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि ग्राफ ऐसे बनेगा, लेकिन जब ये वोल्टेज, इस वोल्टेज को चूंकि आप बढ़ाते जा रहे हैं, जब इसको आप 0.7 वोल्ट के बराबर करेंगे, जिसको हम लोग कट इन वोल्टेज कहते हैं, तो उस स्थिति के बाद आपका वो जो डिप्लीशन लेयर है वो समाप्त हो जाएगा और धारा बहुत तेजी से बढ़ेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, धारा उसके बाद बहुत तेजी से बढ़ती है, डायोड की धारा, ठीक है, इसको कहते हैं फॉरवर्ड करेंट, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में है ना, ये जो ग्राफ बना है ये फॉरवर्ड बायस में है, और इधर जो ग्राफ बना है ये रिवर्स बायस में है, ठीक। तो ये जो फॉरवर्ड करंट है बहुत तेजी से बढ़ता है। तो एक बार डायोड का कटिंग हो गया, मतलब उसका फॉरवर्ड ब्रेकडाउन हो गया, उसकी संधि समाप्त हो गई, तो उस कंडीशन के बाद हल्का सा भी वोल्टेज बढ़ाने पर बहुत तेजी से धारा बढ़ती है। मतलब ये समझो कि 0.7 वोल्ट के बाद आपको वोल्टेज नाम का 0.8 0.9 करेंगे तो धारा आपको, पर्याप्त धारा आपको मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो इतनी धारा बढ़ जाएगी कि डायोड जल भी सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं डायोड का बर्न आउट होना, ठीक है, या थर्मल रनअवे होना। तो वो कंडीशन हम लोग नहीं लाते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका ब्रेकडाउन हो गया 0.7 वोल्ट पे, तो हल्का सा भी धारा वोल्टेज बढ़ाएंगे तो बहुत तेजी से धारा बढ़ेगी, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल डायोड का। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा जो थोड़ा सा कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, कि डायोड का जो ये ग्राफ बनता है ना, शुरुआत में तो ये लीकेज करंट फ्लो हो रहा है बहुत हल्का, उसके बाद ये जो ग्राफ होता है ना ये एक्सपोनेंशियल होता है। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का मतलब ये हुआ कि अगर आप आई का समीकरण निकालें वी के पदों में, वीडी के पदों में, तो उसमें कहीं ना कहीं ई टू डी पावर आएगा, मतलब आई बराबर अगर आप निकालें तो वीडी करके कुछ आएगा, लेकिन ई टू डी पावर करके, मतलब उसमें ई के रूप में समीकरण आएगा, इसी को एक्सपोनेंशियल समीकरण कहते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल समीकरण, अगर किसी भी समीकरण में एक्सपोनेंशियल आ गया, मतलब ई आ गया, तो समझ लो कि ये चीज बहुत हल्का सा बढ़ाने पर ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। सुने होंगे ये चीज, जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो नहीं न्यूज में आता था कि अभी जो कोरोना के मामलों में एक्सपोनेंशियल वृद्धि हो रही है, एक्सपोनेंशियल मतलब बहुत तेज वृद्धि, ठीक है। वही चीज है यहाँ पे कि वीडी हल्का सा बढ़ाओ तो आई बढ़ेगा, तो ये जो ग्राफ होता है ना ये एक्सपोनेंशियल इसमें वृद्धि होती है कट इन के बाद या फॉरवर्ड ब्रेकडाउन के बाद, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे ये जो कर्व है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है इसमें, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर याद रखिएगा कि ब्रेकडाउन के बाद एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है, बाद में ये लीनियर हो जाता है, मतलब बाद में ये ग्राफ ऐसे एकदम ऐसे रेखा जैसा हो जाता है, लेकिन शुरुआत में ये जो ग्राफ है ये एकदम एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। मतलब अभी थोड़ा सा सही नहीं बना है, कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे, ठीक है, शुरुआत में एक्सपोनेंशियल बढ़ेगा, बाद में लीनियर हो जाएगा। तो उसको आप वैसे ही बना लीजिएगा, कोई वो नहीं है, ठीक है। ये सब तो अभी आपके समय इस आईईसी के सिलेबस में सब नहीं है, बस समझ लेना है आपको, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद एक चीज और, कि इस चीज को हम लोग कहेंगे फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। चूंकि ये गैपिंग, मतलब इस पर हो गया ना, तो 0.7 वोल्ट पे ब्रेकडाउन हुआ, और 0.7 वोल्ट के बाद जो भी वोल्टेज आपका बढ़ेगा 0.8 वोल्ट 0.9 वोल्ट, तो कहलाएगा फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। हालांकि ये फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होता है, मतलब 0.7 से लेकर और ये 1 वोल्ट के आसपास तक होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि इतने ही वोल्टेज के रेंज में हमको मैक्सिमम धारा मिल जाएगी, आखिर हमको चाहिए तो करंट ही ना, डायोड लगाने का उद्देश्य क्या है कि हमें करंट चाहिए, ऑन कंडीशन में हमें
मैक्सिमम करंट चाहिए, तो इतने ही वोल्टेज में हमको मैक्सिमम करंट प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा आप वोल्टेज करेंगे तो बहुत हाई करंट हो जाएगा, वो डायोड का बर्नआउट हो जाएगा, जल जाएगा डायोड। ठीक है, तो इसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप काफ़ी कम होता है, और ये किसी स्विच के ऑन होने की निशानी भी होती है। याद रखिएगा, किसी भी स्विच के ऑन होने की निशानी क्या होती है कि करंट मैक्सिमम और वोल्टेज जीरो। यहाँ पर देखिए, करंट मैक्सिमम हो गया और वोल्टेज बहुत कम है। आइडियल कंडीशन में करंट अनंत, वोल्टेज जीरो, लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशन में करंट बहुत ज़्यादा और वोल्टेज बहुत कम। ठीक है, तो वोल्टेज देखिए, वोल्टेज ड्रॉप जो है 7 से 1 है, और करंट तो अपना बढ़ेगा 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, क्योंकि ये सिग्नल डायोड है तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, हालांकि आजकल तो सिग्नल डायोड भी ठीक ठाक आ जा रहे हैं 10-12 एम्पियर तक वाले, लेकिन ये पावर डायोड नहीं है, पावर डायोड में तो हजारों तक जा सकता है। ठीक है, लेकिन सिग्नल डायोड में 10-12 एम्पियर से ज़्यादा जाएगा तो जल ही जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका। अच्छा, अब रिवर्स में देखिए, रिवर्स में प्रैक्टिकल डायोड का कैसे बनेगा। तो रिवर्स बायस में आपको पता है कि डिप्लीशन लेयर चौड़ा हो जाता है, तो जब डिप्लीशन लेयर चौड़ा हो जाता है रिवर्स बायस में तो धारा बहती नहीं है, लेकिन इसमें भी वही बात है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल धारा नहीं बहती है, लीकेज करंट इसमें भी प्रभावित होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, तो लेकिन वो बहुत कम होता है। तो वही ये दिखाया गया है कि ये वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो करंट जो है, अब ये नहीं है कि करंट एकदम जीरो है जैसे इसमें दिखाया गया आइडियल वाले में, थोड़ा सा करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मतलब इतने वोल्टेज पे इतना करंट, इतने वोल्टेज पे इतना करंट, ये माइक्रो एम्पियर होता है, इतने वोल्टेज पे इतना करंट, और ये लगभग कांस्टेंट ही होता है। ये नहीं है कि ये करंट बढ़ नहीं रहा है, करंट तो सेम, थोड़ा सा बढ़ा है यहाँ पे, थोड़ा सा बढ़ा, उसके बाद ये करंट ऐसे कांस्टेंट है, रेखा सीधी है ना, तो करंट कांस्टेंट है, वोल्टेज बढ़ता जा रहा है। अच्छा, जब आप इस वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो कोई ना कोई ऑप्शन डिप्लीशन लेयर चौड़ा होता जाएगा। ठीक है, अब कोई ना कोई एक ऐसा वोल्टेज आएगा जिस पर डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, समाप्त नहीं होगा, एकदम नष्ट हो जाएगा, और उस कंडीशन में जब वो नष्ट हो जाएगा तो करंट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, मतलब आपको वोल्टेज बढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वोल्टेज मतलब वो जब वो टूट जाएगा तो उसके बाद तो वो एक कंडक्टर बन गया ना, तो उसके बाद हल्का सा भी वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा एकदम, मतलब एकदम मैक्सिमम करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपका इस वोल्टेज को हम लोग कहते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, VRV, और इस घटना को कहते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। ठीक है, क्या वोल्टेज बढ़ाते गए और वो डिप्लीशन लेयर समाप्त हो गया, तो इसको हम कहते हैं घटना को एवलांच ब्रेकडाउन, और इस वोल्टेज को कहते हैं VRV। ये वोल्टेज जो है सिग्नल डायोड के लिए 250, 300, 400 वोल्ट तक होता है, ज़्यादा ज़्यादा 500 वोल्ट तक होता है सिग्नल डायोड के लिए, लेकिन पावर डायोड के लिए ये जो वोल्टेज है ये 5000 वोल्ट तक होता है। इसी को हम लोग वोल्टेज रेटिंग कहते हैं। सही पूछो तो डायोड का वोल्टेज रेटिंग जो है ना वो इसी को कहते हैं कि रिवर्स बायस में वो कितना अधिकतम वोल्टेज सहन कर ले रहा है। ठीक है, तो सिग्नल डायोड का ये काफ़ी कम होता है, पावर डायोड का ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आया ना कि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है। तो ये जो ग्राफ बना है ये VI करेक्टरिस्टिक्स है प्रैक्टिकल डायोड के लिए, आप ऐसे ही कॉपी पर ऐसे बना लीजिएगा, बहुत कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक शब्द और बता देना है आपको, डोपिंग, फिर मैं अपने सिलेबस पे आऊँगा। तो देखिए, डोपिंग क्या है, तो डोपिंग आप जान ही रहे हैं कि पी टाइप एन टाइप बनाने के लिए हमको ट्राईवेलेंट या पेंटावेलेंट की मिक्सिंग का मिलावट करना पड़ता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं डोपिंग। डोपिंग तीन तरह का होता है, लो डोपिंग, हाई डोपिंग और नॉर्मल डोपिंग। ठीक है, लो डोपिंग यानी जब सिलिकॉन में अशुद्धि के परमाणुओं की मात्रा थोड़ी कम रखी जाए, हाई डोपिंग माने बहुत ज़्यादा रखा जाए, और नॉर्मल डोपिंग माने नॉर्मल रखा जाए। तो लो डोपिंग वाले में अगर पी टाइप आप बनाए हैं तो बहुत ज़्यादा होल्स पैदा होंगे और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पैदा होंगे, अगर एन टाइप बनाए हैं तो, सॉरी लो वाले में तो कम पैदा होंगे ना, हाँ लो वाले में अगर आप डोपिंग लो रखे हैं तो पी टाइप वाले में बहुत कम होल्स पैदा होंगे, एन टाइप वाले में बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स पैदा होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा होल्स इलेक्ट्रॉन्स पैदा होंगे, और नॉर्मल में तो नॉर्मल होंगे। ठीक है, तो इसको दिखाने का एक तरीका होता है, देखो लो डोपिंग को ऐसे दिखाते हैं, लो डोपिंग को दिखाने के लिए हम लोग इस चीज़ का प्रयोग करते हैं। देखिए, अगर पी को का लो डोपिंग दिखाना हो तो पी माइनस लिख देते हैं, एन का लो डोपिंग दिखाना हो तो एन माइनस लिख देते हैं। ठीक, अगर हाई डोपिंग दिखाना है तो पी प्लस लिख देते हैं, हाई डोपिंग दिखाना है एन का तो एन प्लस लिख देते हैं, और नॉर्मल डोपिंग को केवल पी और एन लिखते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि जब आप लेयर डायग्राम बनाएंगे तो देखिएगा, अभी इस चैप्टर में ना बहुत जगह आपको कई चीज़ पढ़ना है ना, तो हर जगह लेयर डायग्राम जब बनेगा तो कहीं पी माइनस, कहीं एन माइनस, कहीं पी प्लस। अब ये मत पूछिएगा कि सर आप एन पे प्लस क्यों लगाए हैं, एन तो निगेटिव होता है ना, वो वहाँ पे एन पे प्लस लगाने का मतलब है कि
यन टाइप लेयर है, मतलब उसमें डोपिंग की गई है पेंटावेलेंट की, यानी उसमें बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन डोपिंग बहुत ज़्यादा हाई है उसका, यानी बहुत अधिक संख्या में उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, समझ रहे हैं ना बात को। तो ये लो डोपिंग, हाई डोपिंग और नॉर्मल डोपिंग का एक लिखने का तरीका होता है। चलो तो इतनी बातें हो गई, अब हम अपने सिलेबस पर आ गए, ठीक है। इतनी बातें आपका अगर तैयार है तो आप अब सिलेबस पढ़ सकते हैं। तो अब हमारा हेडिंग शुरू होता है पावर डायोड, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ठीक है। ये पहला पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो हम लोग आज से पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग अब ये सब जो भी आपको लिखना है ऊपर वाला लिख के अब ये हेडिंग डालेंगे आप लोग, पावर डायोड, इसको शुरू करते हैं। देखिए पावर डायोड का सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बनाया हूँ लेयर डायग्राम, ठीक है। ये लेयर डायग्राम आपको कॉपी पे बनाना पड़ेगा, पहले इसको एक बार देख लीजिए कि पावर डायोड का लेयर डायग्राम कैसा होता है। सिग्नल डायोड का तो ऐसा होता है, अगर मैं इसके तरह से बनाऊँ तो सिग्नल डायोड का तो ऐसा होता है, यहाँ पी, यहाँ एन, यहाँ एनोड और यहाँ कैथोड, ऐसा सिग्नल डायोड का होता है। लेकिन पावर डायोड का देखो कैसा है, पावर डायोड में सबसे नीचे है एन प्लस, देखो एन प्लस आ गया ना, एन प्लस सबस्ट्रेट, ठीक है। सबस्ट्रेट का मतलब ये हुआ ना कि देखो हम लोग जो लेयर सबसे नीचे रखते हैं और उसके ऊपर बाकी लेयर को डोपिंग कर करके बनाते जाते हैं। जैसे हम लोग सिलिकॉन का एक बड़ा सा क्रिस्टल लिए, नीचे हम लोग सबसे नीचे हम लोग पैदा कराए एन प्लस, यानी इसमें हम लोग पेंटावेलेंट का हाई डोपिंग करेंगे तो एन प्लस बन जाएगा। उसके बाद हम लोग पेंटावेलेंट का ही लो डोपिंग करेंगे तो एन माइनस बन जाएगा, और उसी के बाद हम लोग ट्राईवेलेंट का हाई डोपिंग करेंगे तो पी प्लस बन जाएगा। तो सबस्ट्रेट यानी जो नीचे का लेयर जिसपे बाकी लेयर ग्रो किए जाएँ, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेट। तो ये हो गया, और इसमें से ये ओमिक, इसको कहते हैं ओमिक कॉन्टैक्ट, मतलब एक धातु का इस पर कॉन्टैक्ट लगा के, मेटेलिक कॉन्टैक्ट लगा के, और उसमें हम लोग टर्मिनल निकाल देते हैं क्योंकि इसको बाहर कनेक्शन भी तो करना है एक्सटर्नल सर्किट से। तो ये चीज हो गया आपका पावर डायोड का लेयर डायग्राम, सबसे पहले एन प्लस सबस्ट्रेट, फिर एन माइनस, फिर पी प्लस, और उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट, ठीक है, टर्मिनल, एनोड कैथोड। पी से जो निकलेगा एनोड होगा, एन से जो निकलेगा वो कैथोड होगा। अच्छा, इसमें पीएन जंक्शन कहाँ है? तो देखो ये एन प्लस और एन माइनस में कोई जंक्शन नहीं है, वो बस एक लेयर दिखाया गया है कि एन प्लस है एन माइनस है, जंक्शन तो हमेशा पी और एन में होता है ना। तो ये देखो ये जंक्शन है, ये इतना दूर क्या है, जंक्शन है, इसलिए इसको लिखा गया है जे वन, पी और एन में है, ये हाई डोपिंग किया हुआ पी है, ये लो डोपिंग किया हुआ एन है, ठीक। ये डायोड, इस डायोड है जो सिग्नल डायोड है, इससे इसका रेटिंग काफी हाई होगा, बस रेटिंग हाई हो जाए, मतलब अगर ये डायोड कहते हैं लो पावर डायोड, इसको कहते हैं हाई पावर डायोड, अगर रेटिंग हाई हो जाए तो ये पावर डायोड हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 5000 वोल्ट तक होना चाहिए। इसका फॉरवर्ड बायस में जो करंट सहन करने की क्षमता है, जैसे आपको पता है ना कि फॉरवर्ड बायस में ब्रेकडाउन के बाद हल्का सा भी वोल्टेज बढ़ाओ तो करंट बढ़ता है, तो करंट आप कितना तक बढ़ा सकते हैं, जैसे इस वाले में 10-12 एम्पियर से ज़्यादा बढ़ाने पर जल जाता है, इस वाले का आप 5000 एम्पियर तक फॉरवर्ड बायस में बढ़ा सकते हैं। तो ये दोनों गुण इसके अंदर अगर आ गया तो यही पावर डायोड बन गया, क्योंकि अब इसमें वोल्टेज हाई है, करंट हाई है, तो पावर हाई हो गया, तो ये हो गया पावर डायोड, ठीक। तो आखिर इतना करने से कैसे आ गया, ठीक है, क्या ऐसा हुआ, इसको आपको समझ लेना है। तो देखो एग्जाम में पहले तो आपको ये लेयर डायग्राम बनाना पड़ेगा, सिंबल बनाना पड़ेगा, सिंबल सेम है, देखो सिग्नल डायोड हो चाहे पावर डायोड हो, सिंबल सेम होता है, ठीक है, तो सिंबल इसका भी सेम बनेगा। अब बस आपको थोड़ा सा इसको समझ लेना है, समझा देना है, मतलब जो समझाऊंगा वही आपको बाद में लिखना पड़ेगा, तो पहले इसको समझ लीजिए क्या ऐसा इसमें होता है कि इसका रेटिंग इतना हाई हो जाता है। देखिए एक बात आप लोगों को बताना है कि जब भी पी और एन की डोपिंग हाई होती है ना, जब भी पी और एन के बीच की डोपिंग हाई होती है, मतलब ये पी प्लस हो गया, ये एन प्लस हो गया, तो डिप्लीशन लेयर बहुत पतला बनता है, और जब भी पी और एन के बीच की डोपिंग लो होती है तो डिप्लीशन लेयर काफ़ी मोटा बनता है, मतलब ये पी माइनस हो गया, एन माइनस हो गया, तो डिप्लीशन लेयर मोटा बनता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अब इसका भी कारण आपको जब एनालॉग आप पढ़ेंगे अच्छे से तो समझ में आ जाएगा, तो ये इतना याद रखिएगा। और डिप्लीशन लेयर जब मोटा होगा तो उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, ठीक है, और जब डिप्लीशन लेयर पतला होगा तो उसको तोड़ने के लिए कम वोल्टेज चाहिए। तो अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम लोग देखो इस डायग्राम को थोड़ा सा ना आसानी से समझाने के लिए मैं इसको ऐसे बना ले रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे, ठीक, ऐसे तीन पार्ट में, ठीक। ये हो गया पहला पी प्लस, दूसरा वाला हो गया एन माइनस, और तीसरा वाला हो गया एन प्लस, ठीक। ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, चलो ये यहाँ पे एन प्लस मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, एन माइनस। अब यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर में हम लोग एक तरफ यहाँ पे लो डोपिंग किए हुए हैं एन का, और एक तरफ हाई डोपिंग किए हुए हैं। तो यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर बनेगा, देखो जिधर हाई डोपिंग होगी उधर तो डिप्लीशन लेयर बहुत पतला बनेगा, लेकिन जिधर लो डोपिंग होगी उधर डिप्लीशन लेयर मोटा बनेगा। तो ओवरऑल हमें एक मोटा डिप्लीशन लेयर प्राप्त होगा, ठीक है। पतला डिप्लीशन लेयर दोनों तरफ अगर हाई होता, सीधे हम इसको इसके साथ रख देते तो हमें काफ़ी पतला डिप्लीशन लेयर प्राप्त होता, लेकिन बीच में हम एन माइनस
कर दिए तो हमें एक मोटा डिप्लेशन लेयर प्राप्त होगा। अब इस मोटे डिप्लेशन लेयर का फायदा क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अगर डिप्लेशन लेयर मोटा है तो ये बताइए डायोड में सबसे बड़ी समस्या होती है ना ये वाला, ये रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। कैसे भी करके इसको जरूर मतलब पावर डायोड में इसको जरूर हाई रखा जाता है। तो ये बताओ पहले आप रिवर्स वाला ही समझ लीजिए, अगर इसको हम प्लस देंगे इसको हम माइनस देंगे, अगर डिप्लेशन लेयर हमारा मोटा है तो उस कंडीशन में आपको ये जो वोल्टेज दिया गया है रिवर्स वोल्टेज, इस रिवर्स वोल्टेज को जब बहुत ज़्यादा आप बढ़ाएंगे तब ये डिप्लेशन लेयर पतला होगा और बाद में समाप्त होगा। यानी इस कंडीशन में लगभग लगभग ये जो वोल्टेज है ये 5000 वोल्ट, हालांकि मार्केट में अलग अलग वाले आते हैं 1000 के आते हैं 1500 वाले आते हैं, लेकिन ये ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है 5000 तक वाला भी मिलता है। ठीक, इस वोल्टेज को आप सुने होंगे इसको पीक इनवर्स वोल्टेज भी कहते हैं, PIV, ये भी शब्द है। ठीक है, PIV बोलते हैं, ये सब भी आपको एनालॉग में सब मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। तो आपको समझ में आया ना कि बीच में यन माइनस रखने का फायदा क्या है। ठीक है, अगर यन माइनस हो गया तो ये डिप्लेशन लेयर मोटा हो गया, अब मोटा हो गया तो जाहिर सी बात है उसका जो जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब दूसरा सवाल ये है कि अगर हम यहाँ पे यन माइनस रखे हैं तो ये तीसरा यन प्लस रखने की क्या जरूरत है। तो देखो जरूरत है, ये बताओ हमें पावर डायोड के लिए दो चीज़ें बढ़ानी पड़ेंगी, एक तो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज इसको ज़्यादा करना पड़ेगा और दूसरा एक और चीज़ ज़्यादा करना पड़ेगा फॉरवर्ड करंट। देखो सिग्नल डायोड में ये दो चीज़ें कम होती हैं, सिग्नल डायोड में क्या क्या कम होता है, एक तो इसका ये ब्रेकडाउन जल्दी हो जाता है 250-300 वोल्ट तक हो जाता है, और एक तो इसका जो ये फॉरवर्ड करंट है ये 10-12 एम्पियर तक होने पर जलने लगता है वो डायोड। ठीक है, गर्म हो जाता है, इसमें इन दो समस्याओं को हमें दूर करना है। ठीक, तो एक समस्या तो आपका दूर हो गया कि ये जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है, डिप्लेशन लेयर मोटा हो गया तो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो ये समस्या तो दूर हो गई। अब दूसरी समस्या है कि फॉरवर्ड करंट को ज़्यादा कैसे करें, इसको 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 एम्पियर तक कैसे पहुँचेगा। तो देखो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि अगर हम इस यन माइनस के बाद एक यन प्लस लेयर रख दें, क्योंकि देखो अगर हम इस लेयर को नहीं रखते, सपोज इट ये यन प्लस लेयर नहीं होता तो जानते हो क्या होता उस कंडीशन में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में होल्स हैं और यहाँ पे बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे 10 होल्स हैं और इसमें मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये बताओ 10 होल जब ये संधि समाप्त होगी फॉरवर्ड बायस में, अब मैं फॉरवर्ड की बात कर रहा हूँ ना, तो फॉरवर्ड बायस में जब ये संधि समाप्त होगी तो उस कंडीशन में समाप्त तो वही 0.7 वोल्ट से के आसपास में समाप्त होगा, थोड़ा सा अधिक वोल्टेज पर समाप्त होगा क्योंकि ये डिप्लेशन लेयर मोटा है। ठीक है, तो 0.8 या 0.9 या लगभग 1 वोल्ट के आसपास तक होते ये समाप्त हो जाएगा। तो चलो जब ये समाप्त होगा ये डिप्लेशन लेयर, तो उस कंडीशन में यहाँ से 10 होल उधर जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है वहाँ। ठीक है, तो यहां पे जब 2 इलेक्ट्रॉन और 2 होल कंबाइन होंगे तो कितने होल यहां पे बचे रह जाएंगे, 10 होल उधर गया 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितने होल बचे रह जाएंगे, 8 होल बचे रह जाएंगे। अब अगर ये लेयर नहीं होता तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो केवल 2 इलेक्ट्रॉनों की वजह से फ्लो होगा, बात समझ रहे ना, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन तो यहां समाप्त हुआ है तो 2 के लिए बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल है 2 इलेक्ट्रॉन की इधर से सप्लाई कर देता, अगर ये नहीं होता तो 2 इलेक्ट्रॉन की इधर से सप्लाई कर देगा बैटरी का निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगा तो बहुत हल्का करंट प्रवाहित होगा, जबकि हमें तो फॉरवर्ड करंट का इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा तो करंट ऐसे फ्लो होगा, तो हमारा जो फॉरवर्ड करंट है वो केवल 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, यानी बहुत हल्का करंट होगा, जबकि हमें तो फॉरवर्ड करंट का मान बढ़ाना है। तो हम क्यों ना एक काम करें, हम इसके बाद अगर एक एन प्लस लेयर रख दें तो अगर यहां से 10 होल चले, 2 से उदासीन हो गए, अभी भी 8 होल बचे हैं, तो यहां पे तो इलेक्ट्रॉनों का खजाना है ना, ये तो हाई डोपिंग किया हुआ है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन जब 8 होल के पास आएंगे तो सारे के सारे होल इलेक्ट्रॉन उदासीन हो गए, मतलब टोटल तो 10 इलेक्ट्रॉन उदासीन हुए ना, तो 10 के बराबर ये सप्लाई करेगा, और जब 10 के बराबर ये सप्लाई करेगा तो बड़ी धारा इधर से ऐसे प्रवाहित होगी तो फॉरवर्ड करंट हमारा ज़्यादा हो गया, बात समझ रहे हैं कि नहीं। यानी हमारी दोनों समस्याएं केवल बीच में यन माइनस लगा देने से मिट गई, डिप्लेशन लेयर मोटा का मोटा मिल गया और फॉरवर्ड करंट ज़्यादा का ज़्यादा मिल गया, यानी दोनों रेटिंग हमारा हाई हो गया, समझ रहे हैं ना बात को। जबकि अगर हम लोग डायरेक्ट पी प्लस और एन प्लस रखते, तो क्या दिक्कत आती बताइए, दिक्कत ये आती कि हमारा डिप्लेशन लेयर बहुत पतला होता तो उस कंडीशन में ये बहुत कम होता, ये हाई होता लेकिन ये बहुत कम होता, बात समझ रहे ना, तो हमें कोई फायदा नहीं होता है, वो उसको पावर डायोड थोड़ी कहेंगे, करंट रेटिंग हाई होती वोल्टेज रेटिंग कम होती तो कैसा पावर डायोड। ठीक है, अच्छा दूसरी समस्या कि अगर हम केवल पी प्लस और एन माइनस रखते, केवल इन दोनों को रखते तो ये तो हमें हाई मिलता, वोल्टेज रेटिंग तो हाई मिलता लेकिन करंट रेटिंग हाई नहीं मिलता, तो फिर वो पावर डायोड नहीं है। दोनों रेटिंग हाई करने के लिए हम लोग ऐसा डायग्राम बनाए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पावर डायोड का ये फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब इसी को आपको कॉपी में अच्छे से लिख लेना है, तो देखिए लिखेंगे कैसे।
अब आप लोग पावर डायोड हिडन डाल के ये बना लीजिएगा, इसका सिंबल अभी मैं बनाया था वो बगल में बना लीजिएगा, ठीक है, एनोड कैथोड ये सिंबल है। और फिर देखिए लिखेंगे क्या, मैं बोल रहा हूँ आप इसको सुन लीजिए ध्यान से, एक बार में सुन लीजिए, लिखा जाएगा। देखो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि पावर डायोड एक ऐसा डायोड होता है जिसका वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग हाई होता है, इसका लेयर डायग्राम और सिंबल चित्र में दर्शाया गया है, हो गया। उसके बाद लिखेंगे कि इस डायोड में पी प्लस और एन प्लस लेयर के बीच एक लो डोपिंग किया हुआ एन माइनस लेयर होता है, ठीक। इस लो डोपिंग लेयर के कारण जंक्शन J1 की मोटाई अधिक होती है, अतः इसका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ज़्यादा होता है, ठीक। अब आगे लिखेंगे कि एन प्लस लेयर के कारण इस डायोड में पर्याप्त मात्रा में चार्ज कैरियर्स प्राप्त होते हैं, अतः इसका करंट रेटिंग भी हाई होता है। बस हो गया, तो ये आप पावर डायोड में इस तरह से लिख देंगे, समझ में आया ना। अब आज का लास्ट हेडिंग रहेगा आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सेमेस्टर में, मतलब मेरा उम्मीद है कि आएगा, ठीक है। सिलेबस में भी साफ साफ ऐसे लिखा हुआ है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर डायोड। तो पावर डायोड का भी जो करेक्टरिस्टिक्स होता है वो सिग्नल डायोड में था ना, VI करेक्टरिस्टिक्स, उसी टाइप का होता है। लेकिन इसमें दो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक है VI करेक्टरिस्टिक्स जिसको हम लोग स्विचिंग करेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, इसमें हम लोग डायोड को ऑन ऑफ करते हैं, और एक दूसरा है रिवर्स रिकवरी करेक्टरिस्टिक्स। तो आज के इस क्लास में मैं केवल VI बता दूंगा, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक होता है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत होता है, ठीक है, ये एग्जाम में बहुत आता है, तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। अभी आप VI करेक्टरिस्टिक्स केवल देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए VI करेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। करेक्टरिस्टिक्स खींचने के लिए हमें जो सर्किट बनाना पड़ेगा वो मैंने आपको दिखाया है। हमें V को नापना पड़ेगा, I को नापना पड़ेगा, मतलब वोल्ट मीटर एमीटर लगाना पड़ेगा। ये डायोड है पावर डायोड, उसके पैरेलल में वोल्ट मीटर, सीरीज में एमीटर, यहाँ बैटरी लगा दिया हूँ, फॉरवर्ड बायस में लगाया हूँ, देख लो एनोड प्लस से है, और यहाँ पे एक वेरिएबल रजिस्टर लगाया हूँ ताकि मैं वोल्टेज को कम अधिक कर सकूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं रिवर्स बायस का सर्किट बनाया हूँ, केवल मैंने इसको उल्टा कर दिया है बैटरी को, बाकी सब सेम टू सेम है, ठीक है। अब इसका करेक्टरिस्टिक देख लीजिए, यहाँ पे बनाया हूँ एकदम सिग्नल डायोड की तरह ही बनेगा। थोड़ा सा अंतर यह आएगा कि जो इसका कटिंग वोल्टेज है थोड़ा सा हाई होगा, यहाँ पे 1 वोल्ट के आसपास में होता है। दूसरा अंतर यह होता है कि इसका जो ये ग्राफ होता है ना, ये एक्सपोनेंशियल नहीं होता है, ये जो इसका रीजन है ये लीनियर होता है, याद रखिएगा, ये कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट बात हो गई, ठीक है, कि पावर डायोड का जो ग्राफ होता है वो लीनियर होता है, इसका जो कटिंग वोल्टेज होता है वो सिग्नल डायोड से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और ये लीनियर होता है, एक्सपोनेंशियल नहीं होता है। उसमें क्या होता है, पहले एक्सपोनेंशियल होता है, मतलब पहले इस तरह से ऐसे एक्सपोनेंशियली बढ़ता है और बाद में वो ऐसे लीनियर हो जाता है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं, इसमें पूरा का पूरा ऐसे ब्रेकडाउन होगा, पूरे ब्रेकडाउन के बाद सीधे यहां से ऐसे लीनियर ही होगा, एकदम रेखा जैसा, ठीक है। तो ये इसमें इस तरह से होता है। और रिवर्स में कैसा होगा, तो रिवर्स में वही आपका काफ़ी दूर तक ये जाएगा, फिर ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होने के बाद ग्राफ सीधा नीचे, यानी करंट का मान बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ तक नहीं पहुँचाते हैं, ठीक है, ये काफ़ी इसका हाई होता है ना, यही तो रेटिंग हाई होता है, और इसका जो ये करंट का रेटिंग है ये काफ़ी हाई होता है, मतलब बहुत ज़्यादा करंट पहुँचने पर भी इसका ब्रेकडाउन, मतलब ये जलता नहीं है, इसका थर्मल रन अवे या बर्न आउट नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसका VI करेक्टरिस्टिक्स हो गया। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि ये पावर डायोड आपको समझ में आया होगा। अगला जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं आपको रिवर्स रिकवरी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊंगा। VI करेक्टरिस्टिक्स को स्विचिंग करेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस मोड को हम लोग कहते हैं ऑन मोड, और इस मोड को हम लोग कहते हैं ऑफ मोड, ठीक है। ये तो ब्रेकडाउन हो गया, और यहाँ तक तो ऑन होता ही नहीं है ना, यहाँ से डायोड ऑन होता है और इतना दूर डायोड ऑफ रहता है, ठीक है। पावर डायोड का ये करेक्टरिस्टिक्स हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, लेक्चर नंबर 3 में, और आपको आगे की चीज़ बताएंगे, रिवर्स रिकवरी करेक्टरिस्टिक्स ये हो जाएगा, तो उसके बाद पावर डायोड का आपको प्रकार मिलेगा। प्रकार तीन प्रकार होता है इसका, जनरल पर्पज, फास्ट रिकवरी और स्कॉटकी डायोड, वो मतलब वो तीनों आप पढ़ लेंगे तो आपका ये पूरा चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा। तो मैं अगले क्लास में, मतलब चैप्टर नहीं, ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा पावर डायोड। तो अगले क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि पावर डायोड पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।